नमस्कार, मैं श्वरा, स्वागत है आपका सी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में। पुस्तक मेले में नीलम सक्सेना चंद्रा ने आयोजित किया पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप उपस्थित थे मंडल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे के श्री जगदीप राय। नीलम सक्सेना ने किया 3 पुस्तकों का विमोचन, कहा यूं ही मिलती रही प्रेरणा तो और लिखूंगी बेहतर कहानियाँ। मंडल रेल प्रबंधक ने कहा नीलम सक्सेना चंद्रा ने रेलवे के साथ साथ देश का बढ़ाया है मान। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे रेल परिवार से ही हमारी एक रेल के अधिकारी नहीं एक जो आज किताबें छप चुकी हैं उनकी पुस्तक का विमोचन किया गया है। 2 पुस्तकें हैं जो कि एक कविता का संग्रह है और एक स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज का हुआ है और खुशी की बात है रेल परिवार से और रेल वो भी रेल के अधिकारी जो इतने बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाल के अच्छा लेखन का काम किया है। नीलम चंद्रा ने कहा पुस्तक लिखना मेरा शौक, समय के साथ दूंगी लेखन को नया आयाम। लिखना मेरा शौक था और शौक की तरह शुरू हुआ, परंतु इसको अब नए आयाम मिल गए हैं। अब मेरी 19 पुस्तकें हो गई हैं और इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। आज कौन कौन सी पुस्तकें आई हैं आपकी? आज 3 पुस्तकों का विमोचन था। एक स्काईलाइंस है, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ये महिलाओं की वेरियस प्रॉब्लम्स पे, उनकी खुशियों पे, सब पे आधारित है, इसकी कहानियाँ हैं। और दूसरी थी गीत गाता चल, ये गीतों का संकलन है। और तीसरी थी वो बच्चों की जो है, एक हमने नेशनल कॉम्पिटिशन की थी तो उसमें जो अच्छे ऑथर्स थे उनको एनकरेज करने के लिए ये तीसरी पुस्तक है।